दोस्तों आज हमारे खेत में जो है उस साइड लेबर लग रही है, मतलब गेहूं काटने के लिए लेबर लग रही है। अब देखते हैं जाके उन्होंने क्या कितने गेहूं काट दिए। अब चलते हैं इस तरफ, अब इस तरफ को चलते हैं फटाफट। उस तरफ करता हूँ कैमरा। दोस्तों जो मैं और दादू, मेरे साथ दादू भी आए हैं घूमने। मेरे साथ मैं वीडियो बना रहा है। दोस्तों अब हम इस साइड आ चुके हैं, थोड़ा सा पानी है। दोस्तों लावा लग चुके हैं। दोस्तों पहले इधर से देखने में लग रहा था, अरे क्या बैठ गया। दोस्तों पहले तो देखने में लग रहा था कि कुछ कटानी इधर से देखने में तो ये लग रहा था कि कुछ नहीं कटा। उस साइड से लग रहे हैं लावा। पहले ट्वेल की तरफ चल के दिखाता हूँ। तो दोस्तों उस तरफ लग चुके हैं लावा। इसी के बाद बच्चों के पट के दिखे हैं हिले। फ्रेश एयर। इस तरफ बहुत दूर दूर शहर है, इस तरफ गांव बस रहा है। कितनी सोनी सी खुशबू। दोस्तों ऐसा लगेगा जैसे मैं कहीं जंगल में कुएं को जो रहा हूँ। इधर से देखने में कोई कह सकता है कि कोई ट्वेल है इधर, बिल्कुल जंगली फीलिंग। ट्वेल का घर दिख रहा है। इस तरफ से कोई नहीं कह सकता कि इधर ट्वेल है। ये वाला खेत बच गया कटने को। देखो थोड़े से खेत का तो बीज हो जाऊंगा। ये जो पीछे है मेरे पीछे रिंग पिट विधि का, ये और उस रिंग पिट विधि के खेत का बीज हो जाएगा। जब बीज हो जाएगा तो क्या पता उसमें तो पेड्डी छोड़ देंगे शायद। ये तो ना नीम उसका अमरूद का पेड़ है, पेड़ पर अमरूद नहीं लग रहे। अमरूद तो इस सीजन लगते नहीं। चलते हैं इस साइड। यार डरे हैं फालतू में, जैसे मैं इन्हें कुछ कहता हूँ, पता ना क्यों डरे हैं मेरे से ये पिल्ले। सब इधर को चले गए। भाई मैं कुछ कहता ना हूँ, पता नहीं क्यों डर रहे हैं। दोस्तों बिजली भाग गया, काम बढ़ गया। वो भी लंबा खेत है, इसमें भी कुछ कर ही गए। इधर की तरफ चलते हैं। देखो सारे गेहूं लेट गए। दोस्तों किसान की सारी मेहनत बेकार होगी। गेहूं गिर गए सारे। देखो सारे गेहूं गिर गए। इतनी मेहनत से चारों तरफ ये तार लगाए थे, सारे गेहूं गिर गए। साइड हो जाओ भाई। हमने पत्ती जब अपने खेत में नाम बैठी भी डाली
एक बार यूरिया डाला दो पीएगा नापते बदला डाल छह पीएगा एक कट्टा डालना बस तो पकड़ा नहीं भी। दोस्तों आ चुके हैं सब इस वाले खेत में। ये हमारे ट्रैक्टर के टायरों के निशान छप रहे हैं। दोस्तों एक बैड न्यूज है इस खेत के लिए, ये उग रहा हमारा गेहूं इतना लंबे उसमें। दोस्तों बैड न्यूज ये है कि कुछ उतना पड़ा शायद, पर इसमें एक रही नहीं। बैड न्यूज ये है इसमें एक नहीं रही। सबसे छोटा खेत है अभी हमारा, इससे भी अभी वे जो छोटे छोटे खेत थे हमने उन्हें हटा दिया। नहीं नहीं ये दूसरा सबसे छोटा खेत है, जिस खेत में रिंग पिट बुरी है वो है अब सबसे छोटा खेत, जो जो उससे बड़ा है थोड़ा। दादू इस खेत में एक बची है ना, बोनी पड़ेगी फिर हूड़ काट के। अच्छा कल वाल कुछ से भी बोओगे। दोस्तों बैड न्यूज यही है दादू, पहले तो बोगी थी ना इसमें एक, सारी मेहनत बेकार होगी दो दिन की। अब हमें भी पता चल गया सरसों को ऊपर बो दी थी। चलो इधर को चलेंगे। ये एक काम और बढ़िया। दोस्तों ये जो गेहूं खड़े हैं, ये जो हमारी ट्वेल है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सबसे बड़ा खेत है। तो दादू इस गेहूं के खेत को बोने में तो कई दो कई दिन लगेंगे। दो दिन तो नहीं, खेत तो बहुत बड़ा, सब लग जाएंगे ठेकेदार और हम सारे। दो दिन में मंडी छह बीघे तीन बीघे बोंगे एक दिन में, दो दिन में बोंगे। हाँ तीन बीघे सारे आ जाऊंगे, तीन बीघे करके सारा खेत बू जाएगा। पापा क्या कर रहे हो? बेटा बीज बना रहा हूँ हमेशा की तरह, जैसे हर साल बनाता हूँ। अच्छा कब को बोओगे उस खेत को? हाँ। ठीक रहे ठीक है जी, उस खेत उस वाले खेत को कल को बुआ देंगे। ये बू गया खेत। दोस्तों चलो करते हैं छोटी सी वीडियो को खत्म। ओके बाय।